दोस्तों अभी 3:30 बज चुके हैं और हम लोग फाइनली MS धोनी सर के घर पे आ गए हैं। तो यही है धोनी जी का घर, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हमारा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों आज तो संडे है, इसलिए घर का तो कोई काम वाम होना नहीं था, तो वो तो अभी बंद पड़ा है। फिर भी कुछ सामान सब लाना है, इसलिए अभी हम जा रहे थोड़ा बाहर थोड़ा घूमने के लिए ही जा रहे हैं। देखते हैं रांची में आप लोग का जैसे बहुत कमेंट आता था कि रांची में आप MS धोनी सर का घर दिखाइए या फिर उनका जो फार्म हाउस है वो दिखाइए। तो अभी तो पता नहीं है रांची में कहाँ है, पर गूगल मैप में जो दिखा रहा है वो देख के ट्राई करते हैं जाने का। अगर मिल जाता है तो आप लोग को भी ब्लॉग में दिखा देंगे। तो हम ही जा रहे हैं दोस्तों, अभी हम और भाई जा रहे हैं शुभम, पापा भी नहीं जा रहे क्योंकि अभी वो कल जो वहाँ ढलाई होगा उसके लिए कुछ कुछ सामान चाहिए, तो वही पापा और सौरभ घर में ही रुक रहे हैं, वो लाना पड़ेगा सारा सामान सब। तो ठीक है दोस्तों, हम और शुभम अभी निकलते हैं रांची के लिए। दोस्तों अभी हम और शुभम तो निकल गए हैं और बाइक से ही जा रहे हैं। पापा का क्या हो जाता, पापा भी कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा पापा को, इसलिए हम और शुभम निकल गए हैं। अभी पहले सबसे पहले पेट्रोल लेना पड़ेगा, पेट्रोल थोड़ा कम है और रांची हमारे यहाँ से आपको पहले भी बता चुके हैं 50 किलोमीटर है। तो अभी जाना है और MS धोनी सर का घर वहाँ से करीब 30 किलोमीटर अंदर है, तो सब मिला के 80 किलोमीटर का होगा। दोस्तों अभी पेट्रोल ले चुके हैं, अपना टंकी पूरा फुल हो गया, कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से घूम के आएंगे। दोस्तों अभी 3 बज चुके हैं और हम लोग बुट्टी मोड़ आ गए हैं। यहाँ से करीब और 13 किलोमीटर दूर है धोनी सर का घर, तो अभी थोड़ा रुके हैं रेस्ट करने के लिए, उसके बाद अभी फिर निकलेंगे। और हम लोग दोनों हेलमेट पहन के हैं, देख लीजिए दोनों हेलमेट पहन के हैं। दोस्तों अब हम लोग वापस निकल रहे हैं बुट्टी मोड़ से। दोस्तों दो रास्ता है, एक राइट तरफ जा सकता है, एक सीधा भी जा सकता है। तो सीधा वाला क्या कोकर चौक वाला में बहुत जाम लगता है, इसलिए हम लोग राइट वाले रास्ते से जाएंगे। तो ठीक है अब निकलते हैं। दोस्तों यही है बुट्टी मोड़ बस स्टैंड, यहीं पे बस आते हैं और सारे टेम्पो लोग साइड में खड़े रहते हैं। यहीं से हम लोग जब भी आते हैं, पापा अगर रांची में खड़े हम लोग को बुलाते हैं तो यहीं पे आना पड़ता है। यहाँ से गाड़ी पकड़ के फिर इधर रातू रोड तरफ निकल जाते हैं, तो अभी हम लोग को इधर ही राइट जाना है। ये अभी हम लोग रातू रोड वाले रास्ते में जा रहे हैं। दोस्तों अभी 3:30 बज चुके हैं और हम लोग फाइनली MS धोनी सर के घर पे आ गए हैं। तो यही है धोनी जी का घर, यहाँ पर तो दोस्तों अभी रहते नहीं है लेकिन फिर भी ये अभी खाली है, ये देख सकते हैं, यही घर है MS धोनी सर का। दोस्तों अभी आप लोगों को पूरा दिखा दिया MS धोनी सर का घर, तो एकदम रोड के जस्ट किनारे है ये घर, सिग्नल के पास में, ये देख लीजिए अच्छे से। और ये रहा यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, SP का एकदम पेट्रोल पंप के बगल में ही है, ये देख सकते हैं ये जो एरिया है इसके बगल में, यही रहा घर उनका। मतलब हम भी फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, हम भी रांची में रहते हैं लेकिन कभी देखे नहीं थे, इस रास्ते से पार होते थे पता ही नहीं था यही उनका घर है। और ये रहा शुभम भी, कैसा लगा है? हम भी पहली बार देखे हैं, हम लोग मतलब इधर से पार होते थे बहुत बार लेकिन कभी आइडिया ही नहीं रहा कि यही घर है उनका। चलिए दोस्तों, तो आज हम भी फर्स्ट टाइम देख लिए इनका घर, तो आप कभी भी इधर से अगर हम लोग पार होंगे, कभी भी गाड़ी वाड़ी लेके अगर ट्रक भी लेके पार होंगे तो पापा को भी दिखा देंगे यही घर है। रुकते हमेशा थे लेकिन आइडिया ही नहीं था यही घर है। तो अभी दोस्तों यहाँ छोटा सा गार्डन भी है बाहर में, इधर साइड से रास्ता है जाने के लिए, तो वहाँ से चलते हैं। अभी अंदर कोई नहीं है, ना गार्ड है ना कोई, बंद है दोस्तों घर, तो चलते हैं साइड से इधर दिखाते हैं थोड़ा आप लोग को। घर तो दोस्तों हम लोग देख लिया, अब चलते हैं उनका फार्म हाउस में। ऐसे भी वो इस वाले घर में अब नहीं आते हैं, फार्म हाउस में ही अगर उनका आना होता है तो फार्म हाउस में ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से उनका घर करीब 9 किलोमीटर और दूर है फार्म हाउस, तो चलिए चलते हैं अब वहाँ। दोस्तों अब हम दोनों आ चुके हैं MS धोनी सर के जो फार्म हाउस है उसके बाहर, ये रहा गेट, यही है उनका फार्म हाउस।
अंदर तो जाने नहीं मिलेगा, ना यहाँ जाने मिल सकता था ना उनके घर में। तो यही देख लीजिए बाहर से, यही उनका घर है एकदम। ये फोर लाइन के किनारे में है, एकदम जस्ट फोर लाइन के किनारे में उनका फार्म हाउस है। और दोस्तों एक और रास्ता है पीछे साइड से जाने का, तो अभी हम लोग उधर से जाते हैं। आगे तो यही है बस, जो है यही है। अब पीछे से भी एक रास्ता है, वहाँ से थोड़ा अंदर उनका दिखता है, तो पीछे वाले रास्ते से चलते हैं अभी। तो देख लीजिए बाहर में कुछ फूल वगैरह लगाया हुआ है, और ये रहा मेन गेट उनका। गार्ड वगैरह कोई नहीं दिख रहा, नहीं तो कुछ बात करते गार्ड वगैरह से, तो वो भी सब अंदर है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों पीछे वाले रास्ते से अंदर जाने का ट्राई करते हैं। ट्राई तो करेंगे, गार्ड को बोलेंगे भाई थोड़ा अंदर जाने दे, मान जाएगा तो ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है दोस्तों चलते हैं अभी पीछे वाले रास्ते से। दोस्तों अभी कुछ लोग भी आए हैं, गार्ड से ट्राई कर रहे हैं कि अंदर जाने दे, लेकिन गार्ड तो सीधा मना कर दिया। अब देखिए इधर से दिखाते हैं, साइड इधर से दिख जाए कि कितना दूर का, कितना बड़ा और है। दोस्तों ये फार्म हाउस है, ये रहा पीछे से उतना बड़ा एरिया, और ये जो घर है ये उनका नया बना हुआ है। ये जो बिल्डिंग है दोस्तों ये नया बना है, अभी अगर वो रांची आते भी है तो इसी वाले बिल्डिंग में आते हैं, इसी फार्म हाउस में आते हैं। तो देख सकते हैं यही है उनका घर अभी का। दोस्तों अभी देख लिए, जो पीछे वाला रास्ता बताए वो रास्ता सही नहीं है, बीच में फैक्ट्री आ जाता है तो वो और नहीं दिखेगा। तो आप निकलते हैं दोस्तों घर के लिए, मतलब जो देखना था इतना ही हो सकता है, इसके अंदर तो जाने देगा नहीं। और गार्ड भी दोस्तों मना कर दिया कि नहीं अंदर का नहीं कुछ भी, अंदर जा ही नहीं सकते ऐसा बोल दिया। तो ठीक है अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। दोस्तों अभी थोड़ा सा यहाँ पे रुके हुए हैं, भूख लग गया है, खाना खा के घर से आए नहीं थे, तो यहीं पे अभी होटल में जा रहे खाना खाने, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। बाइक यहाँ साइड में खड़ा कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे मटका मटन मिल रहा है, देखिए पूरे गरम गरम भैया निकाल रहे हैं, तो यही हम लोग भी अभी ऑर्डर किए हैं। और ये साइड में चिकन भी है, तो चिकन तो नहीं आज मटन ही खाने का मन है, ऐसे भी आज संडे है तो कुछ नॉनवेज खाना तो बनता ही है, तो यही ऑर्डर कर दिए अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है। तो दोस्तों कल तो देखे कि सागर और शुभम रांची गया था आप लोग धोनी के घर दिखाने के लिए, और हमारा भी घर तैयार हो रहा है, तो आज कुछ काम चालू होगा, कुछ मटेरियल गिराना था। कल हम गिरा रहे थे यहीं पे, तो यहीं पे थे, तो जैसे जैसे बोला था वही सामान गिराए थे। तो कल संडे छुट्टी, लेबर आया नहीं था, तो आज कुछ काम होने वाला है, तो 10 बजे आ जाएगा वो लोग, 10 बजे बोला है कि आ जाएंगे सब। तो ठीक है दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, उधर ही थोड़ा सा रहेंगे, वहाँ पर थोड़ा देखना पड़ता है कौन सामान कितना घट रहा है, क्या लग रहा है क्या नहीं, सब जब देखना पड़ता है, थोड़ा शुरुआत में रहना पड़ेगा, फिर जब ज़मीन से पिलर उड़ जाता है तो उसके बाद टेंशन नहीं रहता है। फिर क्या है, ऊपर तो कोई ज़्यादा खर्चा रहता नहीं, मेन दिक्कत मेन का ही नीचे का ही है, तो उसको थोड़ा सा खड़ा होकर सामने करवाना पड़ता है। और दोस्तों हमको बहुत अच्छा लगा, आप लोग कमेंट पढ़ें कि जो घर के लिए जो आप लोग डिसीजन दिए बहुत अच्छा लगा। मेरा भी यही राय था कि गाड़ी तो क्या है कि किसी का भी चला सकते हैं, लेकिन घर में जो आप लोग पहले ही बता चुके थे जितना खर्चा वगैरह आता है किराए का, और छोटा घर के चलते दिक्कत भी हो रहा था, थोड़ा सा हम लोग भी घर बना ले रहे हैं अपना, थोड़ा कुछ बचेगा उधर उधर जाने के बाद। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट पढ़े, हमारा जो राय था उसी पर आप लोग भी सही किए कि हाँ पहले घर ही बनाना ठीक है। तो ठीक है दोस्तों अभी अब लेबर लोग आएगा तो जाएंगे हम इंतजार करने के लिए। दोस्तों ये आज का हमारा नाश्ता है, अभी सुबह का करीब 9 बज गया है, और घर पर क्या है कि सुबह सुबह नहा धोवा के आदमी सारे लोग नहा धोवा फ्रेश हो जाते हैं, सुबह सुबह नहा लेते हैं हम लोग, तो नाश्ता का भी टाइम हो गया। तो ये देखिए हमारा नाश्ता आया है, आज का नाश्ता ये देखिए परोठा, और मेरा ये फेवरेट सब्जी है आलू पोस्तू, और ये भुजिया। तो आलू पोस्तू तो बहुत आदमी नहीं समझते होंगे कि महाराष्ट्र में इसको, हम बता दें क्लियर करके कि महाराष्ट्र में हम देखें इसको खसखस भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ इसको पोस्ता बोलते हैं, बंगाल में पोस्तू बोलते हैं। तो हम लोग थोड़ा बंगाल से सटे हुए, तो पोस्तू बहुत ज़्यादा चलता है, बंगाल में बहुत ज़्यादा चलता है, और तो हमारे यहाँ भी पोस्तू का सब्ज़ी बनता है, आलू पोस्तू की सब्ज़ी, और बहुत ही अच्छा लगता है। और महाराष्ट्र में क्या है कि हम देखे हैं पैकेट में मिलता है खसखस के नाम से, और जो आप देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद दाना रहता है वही रहता है, पुड़िया में बिकता है। तो ये देखिए हमारा आलू पोस्तू, अभी हम जब गांव जाने वाले हैं तो माँ के भी हाथ का दिखाएंगे आलू पोस्तू, ये मेरा फेवरेट सब्जी है। दोस्तों नाश्ता तो मेरा हो गया है, और अभी हम इंतजार कर ही रहे थे मिस्त्री लोग आने का, तो वो लोग भी आने वाला है, काम चालू होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों जा रहे उधर, हम थोड़ा काम भी देखते हैं,
कैसे काम हो रहा है। तो दोस्तों ये सब काम जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।